गोविंदपुर में दशहरा पर्व पर भव्य श्री राम एवं रावण की झलकियां निकाली, जगह जगह स्वागत किया। यह जानकारी समिति के जितेंद्र सिंह ने मीडिया को दी। मैं जितेंद्र सिंह हूँ, महामंत्री गोविंदपुर आलोचना समिति से। ये एक्चुअल में बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक है, ये उसी स्वरूप में हम लोग पिछले 58 साल से गोविंदपुर आलोचना समिति जो है ये अपना मंचन कर रही है। और ये जो जुलूस चल समारोह जो होता है हमारे यहाँ जो भेल में तीनों रामला गोविंदपुरा पिपलानी बरखेड़ा जो रामला करते हैं उसमें अल्टरनेट ईयर में ये चल समारोह निकालते हैं हम लोग। अब इसमें ये आपकी कहना सही है कि कुछ समय से कम हुआ है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो कोरोना का वर्ष था, जो आपदा का वर्ष था, उसमें जो कहीं ना कहीं महाभारत और जो रामायण सीरियल आए हैं उसमें नए बच्चे जो नए उम्र वाले हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, हमारा धर्म जो है, ये इसके बारे में बच्चे जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे जब तक नहीं हो पाएगा। तो सरकार को भी इसको ध्यान देना चाहिए, कलाकार है जिनको रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ता है, इसका बढ़ावा मिलना चाहिए। नहीं, सरकार तो समय समय पर करती रहती है, उनका जो संस्कृति मंत्रालय है उसके माध्यम से जो रजिस्टर्ड संस्थाएँ होती हैं उनके लिए वो समय समय पर कार्यक्रम चलाते रहते हैं और अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में और इसमें हर साल कार्यक्रम इसके होते हैं, तो बढ़ावा तो है लेकिन इसको थोड़ा सा इसको और प्रोत्साहित करना चाहिए। आप भारत की संस्कृति संभाले रखते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? एक्चुअल में अब इसके लिए हम अपना जो पूरा श्रेय, हमारे जो गोविंद रामला समिति की बात करूँ तो 66 से हमारा शुरू हुआ था और जो हमारे बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं जो आज भी इसमें इंटरेस्ट बनाए हुए हैं रामला में, और ये युवाओं का जो है, मतलब कहते हैं पुराने का जो है, पुराने का होश और नए का जोश, ये दोनों मिला के जो है चलती है। इसमें पुराने लोग का मार्गदर्शन हमको आज तक मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम आज 58 साल तक भी जो है इसको सफलतापूर्वक ले जा पाएँ।